मुल्की और आलमी तारीख में मई 17 के अहम वाकयात 1769 ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए बनकरों पर मुख्तलिफ पाबंदियां लगाई। 1865 मुवासलात का आलमी दिन मनाने का आगाज हुआ। 1970 थोर हर्डाल ने आज के दिन मराकश से सफर का आगाज किया और 57 दिनों में बहर ओकियानूस को उबूर किया। 1975 जापानी खातून जनको ताइबी माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली खातून बनी। 1987 टीम इंडिया के लिटिल मास्टर सुनील गवास्कर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए। सुनील गवास्कर अपने टेस्ट करियर के 214 इनिंग में 10,122 रन बनाए हैं, जिसमें 34 सेंचुरी जबकि 45 मिस्ड सेंचुरी शामिल है। वहीं गेंदबाजी में सिर्फ एक विकेट हासिल किए हैं। सुनील गवास्कर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जिसमें इन्होंने 96 रन की इनिंग खेली थी। 2000 रूसी पार्लियामेंट के इवान बाला फेडरलिस्ट्स ने न्यूक्लियर टेस्ट पर पाबंदी के मुआहदे की मंजूरी दी। 2002 अमरीकी सहाफी डेनियल पर्ल की लाश पाकिस्तान में कब्रिस्तान से बरामद हुई। 2007 हिंद पाक जामे मुजाकरात का चौथा दौर रावलपिंडी में शुरू हुआ। 2008 बिहार के वजीर तिरुनसपुरम रामानंद प्रताप सिंह ने नीतीश काबीना से इस्तीफा दे दिया। 2008 तालिबान शिद्दत पसंदों ने पाकिस्तान के सफीर तारिक अजीज अलदीन को रिहा कर दिया। 2010 हिंदुस्तानी बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के तमाम 6 गोल्ड मेडल जीते। 2010 मुल्क के कदीम रिवायती खेल कबड्डी को फरूग देते हुए पंजाब हुकूमत ने कबड्डी वर्ल्ड कप मुनक्किद करने का ऐलान किया। 1756 बरतानिया ने फ्रांस के खिलाफ ऐलान जंग किया।